मैंगो का टाइम चल रहा है ना अभी, मैंगो ही ले लो। ये भी टैंगी मैंगो है, ये मैंगो ही मैंगो, ये वाला ले लेते हैं। मतलब मुझे ना इतनी खुशी मिल रही है, इतना दिन मेरे लिए आती थी और अभी मेरी रायु के लिए भी गिफ्ट आने लगा है। ये है और एक ड्रेस, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। हाय गाइस, मायसेल्फ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिन बाद मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा सा काम के लिए। एक्चुअली ब्लॉग मैं घर से शूट इसीलिए नहीं करी क्योंकि कल है मदर्स डे और माँ के सामने अगर प्लान करूँगी तो माँ कुछ करने नहीं देगी और ना ही कुछ लेगी। तो वही माँ के लिए थोड़ा सा केक लेने आए हैं मदर्स डे स्पेशल। और अभी तो मैं भी मॉम हूँ तो मैं भी केक कट करूँगी। शाकिब मेरे लिए कुछ करेगा नहीं तो खुद के लिए खुद को ही करना होगा। अब मतलब मैं ना सोच नहीं समझ नहीं पा रही हूँ माँ को क्या गिफ्ट दूँ। एक्चुअली मुझे आइडिया आ रहा था गोल्ड का रिंग दूँ या माँ के पास ना माँ का जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ख़राब हो गया है तो मैं सोच रही हूँ वो दूँ। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं पे लाइन, वहाँ पे गए। आज इतने दिन बाद रिया घर से निकली है ना तो सब कोई खुश है, वो भी सब कोई निकल चुका है। हाँ, केक के दुकान में भी लाइन, यहाँ एटीएम के सामने भी लाइन, क्या करे। और कितना भीड़ है, मतलब कितना दिन बाद ये मंदिर तला में आई, दिल मेरा खुश हो गया। रिया बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा मिला तो मुझे बहुत सारा, अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला लूँ। पर बोल रहे कि ये वाला अच्छा हुआ टॉप लाइन का क्योंकि उसमें 2 इयर्स की वारंटी, तो वही सोच रही हूँ ये वाला लू। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं पर मुझे 2 जार वाला चाहिए, तो वो बोल रहे ये वाला अच्छा होगा तो ये वाला ले लेते सारे। देखो मेरा भी मतलब वो दो में ही कन्फ्यूजन, एक जायपन में और एक वो तो बोल दे टॉप लाइन। जायपन वाला 6 महीना का वारंटी है, जो वारंटी जिसमें ज्यादा है वही पे चल रहा है गिफ्ट रैप क्योंकि मम्मी से ही खुलवाएंगे तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगी। वो बोलेगी अभी तुमने इतना खर्चा किया तो क्यों, ये इसका क्या जरूरत था, मेरा काम चल जा रहा था, इतना बहुत 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 बोलती है। पर मदर्स डे में थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना चाहिए। कल माँ को बोलेंगे कि आपको खाना नहीं बनाना है, मैं खाना बनाती हूँ, एक केक भी लेंगे। तो यही सब जितना मेरे से अभी हो रहा है। यहाँ पे 3 केक्स है, 2 सोल्ड हो गया है, एक ये है चॉकलेट वाला मुझे पसंद नहीं और ये मैंगो, ये दोनों में से किसी एक मैंगो ले लो। मैंगो डिलाइट वाला, मैंगो का अभी तो मैंगो का टाइम चल रहा है ना अभी, मैंगो ही ले लो। ये भी टैंगी मैंगो है, ये मैंगो दोनों ही मैंगो, ये वाला ले लेते हैं। हां इधर ही रहा। और ऐसे में भी यहां का केक सही है, मदर्स डे है। यहां का चिकन पिज्जा थोड़ा सा अलग लग रहा था, टेस्ट कैसे है? अच्छा है, अरे आमी आमा खे रहा हूँ आगे तुम ही खेल शुरू कर ले, आमी एक तो भूखा है। कुथा है गरो, आमी तो पूरा गया। रिया ने बहुत बड़ा गड़बड़ किया है। अरे मुझे पता था कि कल मदर्स डे है, लाइक कल क्या है, संडे है, कल कल संडे है, मतलब 8th में है कल। हाँ शायद हाँ। अब ना मैंने देखा, मुझे लगा कि कल है मदर्स डे क्योंकि मैंने संडे देखा था, ठीक है। तो मैं फटाफट जाके सब तैयारी करी, अब केक के दुकान में जाके मैंने बोला मदर्स डे का केक, वो लोग ना थोड़ा सा शॉक हुए, बोले कल मदर्स डे है, तो मैंने बोला हाँ कल ही तो है, तो बोल रहे ओ अच्छा होगा, उनको पता था शायद, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला नहीं। अब मदर्स डे मैंने लिखा लिया केक में, उसके बाद शाकिब गूगल में देख रहा है कि नेक्स्ट संडे मतलब 14th को है मदर्स डे। जब मैंने कर ही लिया इस संडे मदर्स डे के लिए, कोई बात नहीं है मदर्स के लिए तो हर डे स्पेशल होते हैं, तो इस बार भी सेलिब्रेट कर लेंगे और माँ को संडे भी, और अच्छे से अगर माँ को कुछ चाहिए, माँ को कुछ खाना है तो वो भी होगा, तो दो दो दिन सेलिब्रेट करेंगे। लोग तो मतलब कितना कितना सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे भी 2 दिन ही सेलिब्रेट कर लेंगे और क्या। पर कब लग रहा था यार क्या किया मैंने, 1 वीक पहले सब कुछ ले लिया, कोई बात नहीं। संडे वाला गड़बड़, संडे वाला गड़बड़ हो गया, मतलब मैंने रात में देखा ना तो गूगल में संडे लिखा हुआ था, देख के मुझे लगा कल है, और इन्फ्लुएंसर्स लोग मदर्स डे का वीडियोस भी डाल रहे हैं तो मुझे लगा मतलब संडे ही है, क्या बोले ये हो गया गड़बड़। पता है रायु होने के बाद ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है,
और ना मैं हर टाइम सोचती रहती हूँ अभी से मैं कैसे उसको अच्छी परवरिश दूँ ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। बस मैं नहीं, मेरी तरह हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट जो है वो दिया जाए, बचपन से ही उनको एक बहुत अच्छा माहौल में रखा जाए, उनका फ्यूचर ताकि अच्छा हो। हम लोग घर में तो उनको अच्छा शिक्षा दे देते हैं, घर के बाहर उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है बाहर की दुनिया में वो होता है प्री स्कूल। तो हमें स्कूल भी ऐसा ढूंढना चाहिए जिनका माहौल बहुत ही अच्छा हो। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा प्री स्कूल के बारे में बताना चाहूंगी जो लास्ट 22 इयर्स से एक जान पहचाना नाम बन चुका है। यस, मैं बात कर रही हूँ यूरो किड्स की, जो एक इंटरनेशनल प्री स्कूल है। इनका जो एनवायरनमेंट है और चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक बहुत अच्छा प्री स्कूल ढूंढ रहे हैं तो यूरो किड्स एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और हर एक बड़ी सिटी में इनके ब्रांचेस भी है। अगर आपके बेबी 2 to 6 ईयर्स के अंदर है और आप एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं उनके लिए, तो मैं बोलूंगी आप लोगों के लिए ये यूरो किड्स एक बेस्ट ऑप्शन होगी। और आपकी तरह अगर और भी कोई अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट प्री स्कूल ढूंढ रहे हैं तो आप लोग मेरा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना। और आप लोग ना एक काम करना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां जाके क्लिक करके जो डिटेल्स है उसे फिल कर देना, तो वो लोग आपको वहां से खुद से कॉल करेंगे, डिटेल में आपको बता देंगे और आपको जो जो जानकारी है वहां पे क्या सिखाया जाएगा आप लोग वो भी अच्छे से पूछ सकते हो। तो आपके बच्चे के सही विकास के लिए मैं आप लोगों को एक बार जरूर रजिस्टर करने के लिए बोलूंगी, ताकि हम पेरेंट्स जो चाहते हैं अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए वो उन्हें मिले। तो रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और आज नई चैनल वीडियो चल रही है, तो मुझे मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। वो सोई हुई है अभी, और मतलब ना वो जब उसको सुलाते हैं ना वो ठेल ठेल के मुझे पूरा मेरे साइड में आ जाती है, तो मैं ना के हिस्से का सब कुछ वो बांट ले रही। और मैं ना हाथ ना फैला के सो पाती हूँ और साइड में सो के मैं तो साइड में ऐसे ही सो नहीं पाती, और मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है। और उसको ना अभी 7:30 बजे यहाँ पे बहुत अच्छा लाइट आता है, आप लोग बोले उसको धूप दिखाओ हल्का सा, तो इसीलिए उसको कॉट में सुला देते हैं। और तब मैं जाके 8 बजे सोई और 9:30 बजे डेढ़ घंटा का अच्छे से मैंने नींद पूरी किया अपना, तब भी वो नहीं गया नींद मेरा, अभी भी आग देख के लग रहा है। तो माँ के मैंने बोला था कि आप तुमको नहीं बनाना है खाना, पर मछली जो है वो माँ बना रही है, पर चिकन में जो है वो मैं बनाऊंगी और अपने हाथों का माँ को आज खिलाऊंगी। तो कुछ देर बाद खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। कि क्या बना रहे हो हम लोगों के लिए मदर्स डे स्पेशल? रुआ अफ़ज़ा। बहुत दिन बाद पीना है रुआ अफ़ज़ा मुझे, जा ये लेना था। ये मेरा ना फेवरेट कप है, आप लोग कितना दिन से देख रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये कप मेरा चेंज नहीं हुआ, जितना भी कप मिल जाए। यहाँ पे बन रही है मेरी चिकन, पर गैस लग रहा है खत्म हो जाएगा, बहुत ही स्लो चल रहा है। इतने दिनों बाद रिया का हाथ का चिकन खाएंगे हम, मतलब अभी बोल रहे थे ना गैस खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा जल रहा था, अभी मेरा गैस खत्म हो गया तो अभी प्रॉब्लम मतलब, नहीं है। हाँ मतलब बहुत ही दिन बाद 2 सिलेंडर लिए हम लोग, वो भी क्योंकि बेटी के लिए, क्योंकि अभी पहले खत्म हो जाता तो बाहर से चाय भी मंगवा लेते थे, पर उसको तो उसका पानी बॉईल करना पड़ता है, दूध घोलना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग वो आते ही ले लिए कि नहीं बाबा अभी रिस्क नहीं लेना है। और शाकिब चिकन खाने के लिए कितना एक्साइटेड, बेकरार हो गया ऑलमोस्ट। मैं उसको लेके यहाँ आई, वो पीछे घूम के सो गई अपने मन के मुताबिक, और शाकिब पीछे जाके उसको खोचा मार रहा है। खोचा नहीं मार रहा, मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं और वो रिया वहाँ सोए हुए हैं, ठीक है, तो मैं भी बोल रहा हूँ तुम इस तरफ क्यों सोई हो, वहाँ उस तरफ आ जाओ, उनके पीछे वैसे सो गई वहाँ पे। मेरी रायु का गिफ्ट आया है तो वही लेके आया था, शाकिब गया था रिसीव करने, तो देखते क्या भेजा है रायु के लिए। मतलब मुझे ना इतनी खुशी मिल रही है, इतना दिन मेरे लिए आती थी और अभी मेरी रायु के लिए भी गिफ्ट आने लगा है, और अभी तक तो मतलब कल ही उसका फेस सबसे भी। बड़ा बात कि रायु का 2 कोलैबोरेशन भी आ गया। हाँ ऑलरेडी हाँ, रायु का कोलैब भी आ गया, 2 कोलैबोरेशन आ चुका है और मुझे इतनी खुशी हो रही है। वाओ ये भी कस्टमाइज्ड है राया का नाम, बाप रे मेरी रायु इतनी फेमस है, उसके नाम का बॉक्स आ गया, बहुत ही खूबसूरत बॉक्स, बहुत सुंदर। और इस भेजा है मुझे इंस्टाग्राम पेज ने, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मुझे प्रॉपरली नहीं पता, पर आई थिंक शोशा बाई तैश,
मैं इनके इवेंट में गई थी जिनके उनका पेज है और क्या भेजा है रायू के लिए, वाओ। और इसके साथ रायू के लिए ड्रेस भी आया है, बहुत क्यूट ड्रेस, वाओ। वो उसके रायू का हेयर बैंड भी है साथ में और रायू के लिए टावल। रायू के लिए ये सबसे अच्छा चीज आया, उसको पहना देंगे मोती का, नजर ना लगे मेरी रायू को। और एक टॉप और पैंट का सेट रायू के लिए, इतने सारे गिफ्ट्स भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। मतलब तब से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं मदर्स डे का, पर पहले शादी की बुआ आई इतना कपड़ा लेके, फिर हमारे बिल्डिंग से आए एक जन वो भी मिलने आए थे, तो वो सब बाद में दिखाएंगे। 9:15 बज रहे हैं, अभी टाइम मिला है माँ के साथ सेलिब्रेट करने का। आओ आओ आओ। वो तो केक देख के ही गुस्सा हो गई कि केक डेली डेली तुम लोग केक लाके बस सेलिब्रिटी करते रहते हो। तो ये है केक ना, अपने केक तक काटो काटो। हैप्पी मदर्स डे टू Tining, tining. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day, dear mother. Happy Mother's Day to you. क्या मंगे थे? अरे किरा हमकी टेस्ट बोलो तो। बाबा चली जा। तो तो इलुन। ये बात। बहुत टेस्टी है। बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा यहाँ में। तो अब गिफ्ट देने का बारी आ गया। देख के बोल रही है ये क्या है, चलो তুমি আমার এত পড়িয়েছো বলেই তো আমি এতটা আসতে পেরেছি, তুমি আমার এতটা পড়েছো বলেই তো আমি এতটা আসতে পেরেছি। এটা তো অনেক কম, বহুত ছোট হয়, তো এই সব কিছুই নেই, এই সব বাস ছোট ছোট খুশিয়া হয়, এগুলোর জন্য কাঁদবার কোনো দরকার নেই, একদম কাঁদবে না। আরো তো কত আর ভি কিতনে বড়ি বড়ি খুশিয়া ইন্তজার কর রহি হ্যায়, এসবের জন্য কাঁদবে না বাবা। তো চলো আমি এক কাম কে লিয়ে মুঝে জানা হোগা, ফটাফট সব কাম করকে আগে আপকো বুক কর দেতি। एक के बाद एक गेस्ट आ रहे थे तो आप लोगों को मतलब कितना सारा कपड़ा आया है फिर से आज का, वो मैं दिखाने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ शब्द शेयर करती हूँ बोल के। तो यहाँ पे है बहुत सारे कपड़े, मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा दूँ। एक्चुअली शाकिब की एक बुआ आई थी तो वो ये सारे कपड़े लेके आई है, तो ये ऐसा दो कॉटन का और ऐसा सुंदर सुंदर फ्रॉक, टू फ्रॉक, दो एक ये व्हाइट रेड ड्रेस, ये भी बहुत सुंदर है और इसके साथ इसे क्या बोलते हैं लंगोट है ना, तो ये भी इतने सारे कलर्स मैच करके। और अभी मतलब मेरे सोसाइटी से भी एक जन आए थे तो वो भी एक कपड़ा देके गए हैं, ये है और एक ड्रेस, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, इसके साथ एक पैंट है। और भी ड्रेस मिला था जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, वो भी मतलब अलमीरा में रख दिया क्योंकि कल का व्लॉग में नहीं बनाई थी, तो कल भी लोग आए थे तो वो सब फिर से बाद में दिखा देंगे। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही गया, मैं फ्रेश हो जाऊंगी और जल्दी जल्दी एक अच्छा सा नैप लूंगी। अभी ना रात में मोबाइल देखने का, आप लोगों का कमेंट इतना ज्यादा मैं पहले आंसर करती थी, शायद अभी नहीं कर पा रही हूँ सबका आंसर, तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि अभी ना मुझे अकेले एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है और कॉमेंट का उतना रिप्लाई मैं सबका कर ही नहीं पाती, तो प्लीज डोंट माइंड, थोड़े देर ये सेटल हो जाने दो मुझे, तो मैं फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगी। ठीक है, तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।